In my previous video, I talked about top 5 medical universities in Russia for Indian students. And आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा about Omsk State Medical University and why it is becoming one of the most popular option among Indian students. Hi, my name is Vivek. I have done my MBBS from ASMU Russia and I have cleared my FMG exam in January 2024. I make regular videos about medical education abroad. If you are new to the channel, please consider subscribing and let's start with today's video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोकेटेड कहाँ पे है यूनिवर्सिटी एंड आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करोगे फ्रॉम दिल्ली. तो द यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ ओम्स्क एंड ओम्स्क जो सिटी है वो आपका 12th लार्जेस्ट सिटी है इन रशिया एंड इट इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी इन द रीजन ऑफ साइबेरिया. एंड अगर आप दिल्ली से ओम्स्क जाते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप वाया मॉस्को जा सकते हो या फिर आप वाया ताशकेंत या फिर अस्ताना जा सकते हो जो कि आपका उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में होता है. यू हैव टू टेक अ कनेक्टिंग फ्लाइट. एज ऑफ नाउ कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है इंडिया से वहाँ तक की. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी तो ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1920s. तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है. इट हैज़ अ ह्यूज एक्सपीरियंस एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटीज इन द रीजन ऑफ साइबेरिया. एंड अगर सिटी की पॉपुलेशन की बात करें तो द पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1.1 मिलियन. तो आपका ये एज आई टोल्ड यू इट इज़ 12th लार्जेस्ट सिटी इन रशिया. तो एक काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन हो जाता है विच ऑल्सो गिव्स यू एन एडवांटेज टुवर्ड्स क्लिनिकल एक्सपोजर जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे वीडियो में. अदर देन दिस द यूनिवर्सिटी फुलफिल्स ऑल द NMC 2021 क्राइटेरिया जो कि आपका कम्प्लीटली फुल इंग्लिश 54 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, आपका इंटर्नशिप होना चाहिए एंड लाइसेंसिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो सारे पूरे रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज पे ही एप्लीकेबल है. एंड ऑल्सो द यूनिवर्सिटी इज़ इन द WDMS लिस्ट. सो इफ़ यू गेट अ डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल हो टू गो टू सम अदर कंट्रीज़ एज वेल. जितने भी मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं या जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं सभी में वहाँ पर आपकी डिग्री वैलिड है. यू कैन गो टू दोज कंट्रीज़ फॉर योर प्रैक्टिस और मे बी फॉर योर फर्दर एजुकेशन एज वेल. लास्ट ईयर ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अराउंड 118 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था इन द MBBS कोर्स इटसेल्फ. दूसरे जो कोर्सेज हैं जैसे आपका सोमेटोलॉजी हो गया, डेंटिस्ट्री जिसको बोलते हैं, या फिर आपका फार्माकोलॉजी हो गया, या फिर और कुछ नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के अंदर भी फॉरेन स्टूडेंट्स आए थे. बट सिंस वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स MBBS तो MBBS कोर्स में 118 टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए थे एंड टोटल सीट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं इट इज़ 120 ओनली. एंड येस एडमिशंस फॉर 2024 आर ऑलरेडी ओपन. So if you want to get admission into a good budget friendly university and if you think Omsk would be that option for you, so you should start your registration and application process as soon as possible because the seats are limited and it is becoming really popular. So ye to ho gaya ek overview about the university. Now one thing which is very important is when you are thinking about considering a university for your MBBS abroad journey is that ki wahan ka jo hostel hai wo kaisa hai. City as I told you it is a good city overall. To hostels bhi kafi important hain. To Omsk State Medical University jo hai it is really great in this regards as well. तो यूनिवर्सिटी का जो अपना गवर्नमेंट हॉस्टल है देर आर 3 डिफरेंट हॉस्टल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एक नया हॉस्टल और बनने वाला है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो द हॉस्टल्स आर रियली ग्रेट. जो आपके हॉस्टल्स हैं उनके अंदर किचन्स प्रोवाइडेड होती हैं, गैस स्टोव प्रोवाइडेड हैं, यू हैव रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइडेड, वॉशिंग मशीन्स फॉर लॉन्ड्री. तो सब कुछ सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू. एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो इट इज़ रियली ग्रेट. तो आपका प्रॉपर टाइमिंग्स है. यू हैव टू यू नो फॉर एग्जिट एंड एंट्री आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड दिया जाता है. फॉर विद यूजिंग दैट ओनली यू कैन कम आउट ऑफ द हॉस्टल, गो आउट ऑफ द हॉस्टल और यू नो गेट इनसाइड द हॉस्टल. सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट लाइक हॉस्टल ऑफ द ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो लेटर ऑन. तो एज आई टोल्ड यू ओम्स्क सिटी जो है इट इज़ अ ह्यूज सिटी. 1.1 मिलियन पॉपुलेशन प्लस है. तो यू आर गोइंग टू गेट अ गुड पेशेंट फ्लो. ऑन टॉप ऑफ दैट द यूनिवर्सिटी है उसके साथ अराउंड 97 हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स लिंक्ड हैं. तो यू आर गोइंग टू गेट रियली गुड एक्सपोजर. यहाँ पे वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इज कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के माइंड में ये रहता है कि इफ़ सम यूनिवर्सिटी इज़ नियर टू मॉस्को तो उसका एक एडवांटेज मिल जाएगा बिकॉज मॉस्को बड़ा सिटी है एंड ऑल दैट. तो एक्चुअली में इफ़ यू थिंक अबाउट
इट लॉजिकली तो दिस इज़ नॉट ट्रू. कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मॉस्को के पास में हैं एंड काफ़ी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. बट थिंक अबाउट इट योर सेल्फ कि अगर आपके आस पास, इफ़ यू आर इन अ स्मॉलर टाउन एंड आपके पास एक बहुत बड़ा सिटी है, तो वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर टू गो टू, आपके बड़े सिटी में ही जाएंगे मोस्टली लोग. सो दैट अप्लाइज टू दोज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो जो कि मॉस्को के पास में है, जिसको एक काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की जाती है कि मॉस्को के पास में है, मॉस्को के पास में. बट इन इट सेल्फ मॉस्को के पास होने में कोई अलग एडवांटेज नहीं है. यू शुड लुक एट द सिटी इट सेल्फ कि सिटी कितनी बड़ी है, कितना पॉपुलेशन है एंड हाउ मेनी हॉस्पिटल्स दे हैव लिंक्ड इट विद इट बेसिकली. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. मोर ओवर फॉर प्रैक्टिस एंड टीचिंग पर्पसेज द यूनिवर्सिटी हैव ग्रेट सिमुलेशन सेंटर, तो उसके बारे में एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो भी मैं डाल दूंगा लेटर ऑन, सो दैट यू कैन हैव अ गुड लुक एट इट जस्ट लाइक द हॉस्टल वीडियो. एंड ऑफकोर्स जो आपके बैचेस होते हैं, इट इज़ सेम थिंग ऑल ओवर रशिया. कुछ लोग ये चीज़ कुछ कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में तो यू विल गेट लाइक टू स्टडी इन बैचेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स. तो दिस इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी इन रशिया. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बिकॉज इट इज़ लाइक हाउ द सिस्टम इज़ ओवर देयर. तो आपके 15 स्टूडेंट्स के बैचेज होंगे, सो यू हैव अ ग्रेट स्टूडेंट टीचर रेशियो. एंड यहाँ पे इनफैक्ट ओम्स्क में यू विल हैव इट स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं बेसिकली, वो ऑलरेडी कम हैं. तो 120 स्टूडेंट्स पे यू कैन सी फॉर योर सेल्फ की टोटल कितने बैचेस बनेंगे. एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो यू नो शी हैव ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट हॉल्स. एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इंटर यूनिवर्सिटी एंड इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स एज वेल. सो वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर चूजिंग ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? सो एज आई टोल्ड यू, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी. एंड जो यूनिवर्सिटी का जो सिटी है, बेसिकली ओम सिटी है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको मिलेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस की जो लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज के टाइम पे रशिया में ये होता जा रहा है, यू कैन सी कि दे टेक ओवर एडमिशंस ऑल्सो समटाइम्स. सो दीज आर सम फैक्टर्स दैट रियली मेक्स इट यूनिक. एंड ऑफकोर्स एज आई शोड यू, जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, दे आर ऑल्सो रियली ग्रेट. सो आई स्पेंड ऑलमोस्ट 15-20 डेज ओवर देयर इन ओम्स, जो मैं लास्ट ईयर बैच गया था उनके साथ जब मैंने ट्रैवल किया था. सो आई स्टेड विद द यूनिवर्सिटी हॉस्टल ऑल्सो, इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल ऑल्सो. तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, आई मेट विद डिफरेंट यू नो टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. तो ओवरऑल द फैकल्टी इज़ रियली कोऑपरेटिव, द हॉस्टल स्टाफ इज़ रियली कोऑपरेटिव, द हॉस्टल्स आर वेल मेंटेन्ड एंड लाइक एवरीथिंग इज़ रियली ग्रेट. इफ यू वॉन्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हॉस्टल, यू कैन वॉच दिस वीडियो, और इफ यू वॉन्ट टू हियर द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स देमसेल्फ, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ माइंड. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.